it's never solvable. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो कल रात ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए हमने लद्दाख में स्टे कर लिया था। हमारा लेह 30 किलोमीटर रह गया था। तो अभी मैंने जो आपको फुटेज दिखाई है वो हमारे होटल की थी। बहुत बढ़िया होटल था भाई का, खाना एक नंबर खाना था भाई के होटल का। मज़ा आ गया लेकिन कुछ भी कहो, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, बहुत सस्ता था। तो अब हम जा रहे हैं लेह, क्योंकि लेह हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। कल रात जब हम यहाँ पे आके स्टे कर रहे थे होटल में तो 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर था, तो इतना ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई, रात के 2 बजे 3 बजे -4 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। मतलब हम अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे तब भी हमारी कपकपी छूट रही थी, इतना ज़्यादा ठंड हो गई थी रात में भाई। और सुबह उठते उठते फिर नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर नॉर्मल दिनों में, जैसे गर्मियों वाले दिनों में, यहाँ पर रात में बहुत गंदा गिर जाता है टेम्परेचर। रात में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर और दिन में एकदम नॉर्मल रहता है। और जब भाई गर्मियों में हाल है तो सर्दियों में क्या हाल होता हुआ यहाँ पे। यहाँ तो सब के सब रिवर्स चल रहे हैं, वो भी अपने आप। हम भी चल के देखते हैं। वो सच में बहुत तेज खींच रही है गाड़ी। अरे अरे मोटरसाइकिल पर बैठा था। मोटरसाइकिल भाई वाली खड़ी है। स्प्लेंडर फिर क्या अपनी है। यह है मैग्नेटिक हिल्स जो कि 11,130 फीट की ऊंचाई पे है लद्दाख के रास्ते में। और भाई यहाँ पे हमने ट्राई करके देखा कि मैग्नेट है या नहीं है। मुझे लग रहा खुदाई करनी पड़ेगी यहाँ पे चुंबक निकालने के लिए। तो खैर हाँ, थोड़ी बहुत थी कि हमने बाइक को न्यूट्रल करके छोड़ा तो हमारी बाइक रिवर्स जा रही थी। अब वो ढलान थी क्या थी वो, तो चलो आगे चलते हैं। Girl, you always solve problems and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. Oh, bhai, itna khoobsurat nazara. अरे 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 भैया, शीशा निकल गयो एक हवा के झोंके से। मेंटेनेंस चलते चलते फट से बाहर आ गया निकल के। ओ, इसका ये शीशा ही ये भी टूट गया। ये हम कहाँ आ गए? इंग्लिश में लिखा है और चाइनीज में लिखा है, पर नहीं चाइनीज नहीं, ये नेपाली है। हाँ शायद नेपाली लैंग्वेज है, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर इंग्लिश में नहीं लिखा हो तो हम तो बावले हो जाते कि लिखा क्या है ये।
ये हम लेह की मार्केट में आ जाने वाले हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने कट क्यों ले लिया। अभी हम जा रहे हैं हमारे भाई के किसी दोस्त के पास, वहाँ पे हम अपना सामान वामान सब रख देंगे, उसके बाद हमारी बाइक हो जाएगी एकदम फ्री और फिर चलेंगे हम लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे चलेंगे वो हम आपको जब भी बताएंगे, क्योंकि हमें भी अभी कुछ नहीं पता। तो ढलान का फ़ायदा उठाते हुए, पेट्रोल बचाते हुए, ये हमारे भाई के दोस्त हैं जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उनके पास पहुँचे हैं हम। इनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे, जो यहाँ चल रहा है लद्दाख में। जब शादी हो जाए ना, जिम्मेदारी आ जा, फिर शौक खत्म हो जा। शौक तो फिर बढ़ते ज्यादा नहीं, बढ़ते नहीं, फिर अपने मानने पड़े, दूसरे करने पड़े। तो चार बेटी हैं। यार डिस्कशन चल रही है कि मेरी बाइक को 50 किलोमीटर भी नहीं चला सकते। भाई तो चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी छोड़ दूंगा अगर चला ली तो। तो उस पर बहस चल रही है। तो चलते हैं होटल लेने के लिए, फिर देखते हैं क्या करना आगे। अरे यार, यहाँ तो हर जगह लेडी ड्राइवर दिख रही है, हर गाड़ी के अंदर लेडी नज़र आ रही है। बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ तो, कौन कहाँ कब किधर से आके पेल दे पता भी नहीं चलने का। मैं तो तैयार नहीं काटा था ये, और कम से कम 4 दिन हो गए इसे, 4 से 5 दिन काटे हुए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसके अंदर से पानी भी निकलने लगा है। देखते हैं होम स्टे, यार होम स्टे में भी रुकने का मज़ा ये लगा। और यार लोगों ने छोटे छोटे से घर हैं लेकिन बना बड़े खूबसूरत रखे हैं। ये हम हैं लद्दाख के गाँव में, पूछ लेते हैं किसी से, कोई बंदा दिख जाए ना। हाँ ऐसे नहीं पता लग पाएगा। यार लोग घर से बाहर निकलते नहीं निकलते यहाँ पे। यार यहाँ कहीं पे होम स्टे मिल जाएगा? हाँ पता है, कुछ नॉलेज है तेरे को? यार तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, फुल्ली एटीट्यूड में देख रहा। चल चल। अरे मेरा माइक खुला हुआ है या नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। खुला हुआ है, खुला हुआ है। कुछ पहाड़ों के बीच में से होते हुए हमने अभी गूगल पे से एक होटल की डिटेल निकाली, फिर हमने उनको कॉल करी, 2-3 कॉल करी, उन्होंने रिसीव नहीं करी, फिर रिटर्न उनकी कॉल आई, वो उन्होंने बात करी तो बड़ी अच्छी आवाज़ थी भाई। तो अब चलते हैं उनके होटल पे और देखते हैं रूम देखेंगे वहाँ पे कि कैसा है होटल। अच्छा बताया उन्होंने, वाईफाई भी अवेलेबल है, तो चेक करते हैं भाई। पीछे लगा हुआ था नो एंट्री का बोर्ड, और यहाँ से सारी गाड़ियाँ जा भी रही हैं, और हमारी हवा भी ख़राब हो रही है चलते में, डर लग रहा कहीं कोई रोक ना ले, टोक ना दे, तो इसलिए आराम आराम से चलते हैं। अगर बाय एनी चांस कोई दूर से दिखता भी तो गाड़ी मोड़ के वापस भाग जाएंगे। देखा मेरा चालाकी वाला दिमाग? ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। और ये हम आ गए और ऊंचाई पर। तो हम खड़े हैं लोकेशन पे वैली आर्ट्स। तो करते हैं मिस, नाम तो हमें पता नहीं है इनका, इनको फोन। कहाँ गई? ये रही, आवाज सुनना गाइस। मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ बिल्कुल, लेकिन किधर है? क्या है सामने? कुछ मेरे सामने यहाँ पर, कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे ज्यादातर बाइकर्स वो हैं, क्या कहते हैं, रेंटेड बाइक वाले। मेन मार्केट, मार्केट जैसा लग रहा है। बिल्कुल हाँ, मार्केट वाला, बीच में कोन भी लगे हुए हैं। बीच में क्या लग रहा है? कोई ये पे डिवाइडर, चाय शाय करके कोई स्पॉट हो। हाँ एक बार रेगमेंट पड़ा तो था अभी मैंने, किधर गया? ले लाइट चाय शाय करके, एक सेकंड में किसी से कंफर्म कर लेता हूँ फिर। भाई आप लोकल हैं यहाँ के? नहीं नहीं।
अच्छा भाई, हिमालयन गैलरी, द हिमालयन गैलरी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उसी के सामने खड़ा हूँ, अपोजिट में एक है। हाँ एक सेकंड, पीछे देखना, इधर मतलब राइट या लेफ्ट, हाँ हाँ हाँ, नहीं मेरी बाइक तो ब्लैक कलर की है। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक हाँ मैं अब आगे को आ गया, ये गली जा रही है इसके जस्ट सामने गैलरी के, द हिमालयन गैलरी के, यहाँ से यूटर्न लेके इसी गली में आना है। ठीक है मैं मारूँ, मैं मतलब मैडम बाहर नहीं आएंगी निकल के। अरे भाई साहब मतलब इतना सा जाने के लिए इतना लंबा यूटर्न लेना पड़ेगा। हाँ भाई कहाँ हूँ मोहतरमा, वेयर आर यू मोहतरमा, ओके 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 आंटी जी। ओ यार कितना ब्यूटीफुल बना रखा है इन्होंने, अरे वाह पोशन। अभी तुम्हें बाद में परेशान करेंगे, पहले काम कर लें। तो करते हैं बात से, देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा बना रखा उन्होंने। ठीक है चेकआउट टाइम आपने ज़्यादा जल्दी कर रखा, 2 घंटे पहले कर रखा है। हाँ 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 अच्छा अच्छा ओके, तो ठीक है हाँ ओके समझ गया। तो बताएं हमारे तो फ़ोन पे जो बात होती है वो तो होती है, आप बताएं। हाँ कितना बताया था आपने, 15 लास्ट है। और मैंने भी पहले ऐसे ही मैं खड़ा बताऊँ यहीं पर, मैंने YouTube पे चेक करा तो किसी लेडी ने डाल रखा था आपके होटल का भी इसका हाउस का, तो मैंने चेक करा, मैंने आपसे पहले 2 और कॉल किया था, 3-3, 4-4 कॉल करी, किसी ने नहीं उठाया, फिर आपकी एकदम रिटर्न कॉल आ गई, मैंने चलिए आप बता रहे आप ही के पास आ जाते हैं देख लेते हैं जी। अच्छा अच्छा नहीं अब उसकी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा। हमारे पास सारा सामान है। अच्छा। हमारे पास कैंपिंग का पूरा सामान है। मसला नहीं, यहाँ पे रात में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस चक्कर में हम कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वरना हम कैंप कर लेते हैं। हाँ क्योंकि हम वहाँ पे भी रुके थे, लद्दाख में रुके थे नीचे, यहाँ से 30-40 किलोमीटर नीचे, तो रात में -4 चला गया था। मैंने भाई अच्छा हमने होटल ही ले लिया। हाँ बहुत ज़्यादा, तो नहीं हम कल निकल जाएंगे। अभी मसला ही हमारा ये हो रहा है कि हमें ना सबसे ज़्यादा हमें अपने सामान रखना है, क्योंकि हम सामान रख के अपना निकलेंगे घूमने के लिए जी। अब ऐसे तो हम रख नहीं सकते, ये तो ये आपका घर घर में बना रखा है हमने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बना रखा है, अंदर खाने का इंतज़ाम होगा आपके पास? अच्छा अच्छा हाँ 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 ओके अच्छा अच्छा 250, तो उसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको अगर नॉन वेज में चाहिए तो नॉन वेज में चिकन मिलता है। नहीं वेज में, तो ड्राई रेड है पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो वेज में 2 सब्जियाँ, ठीक है, एक दाल, ठीक है, सैलेड, रोटी, चावल, ओके 250 में, ओके। सुबह का नाश्ता 170 है। अच्छा इसमें हाँ परांठे, 2 परांठे,
जी कॉफी टी या ब्रेड ऑमलेट लेती हूँ, जी 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 ओके ठीक है मैम। तो आप ओके चलिए बढ़िया कर दिया पेपर वर्क जो भी है। अच्छा व्यू अच्छा है ऐसे तो मुझसे तो लिखा भी नहीं जाएगा, उससे तो बाइक चला चला के हालत ख़राब हो गई है और मैं वैसे मैं उनसे ही बोल देता हूँ भाई से लिख देंगे, मैं लेफ्ट ही वैसी हाँ वो पेज भी इधर का ठीक है मैं बोलता हूँ। अच्छा अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है गोदी में घूम रही है हाँ, जाके वो डिटेल भर देना यार, वो लेफ्ट पेज इधर वाला और मैं लेफ्ट ही हूँ, मुझसे लिखा नहीं जाता फिर इस वाले पेज पे, वो हाथ ऊपर रहता है। ए ए बेटी देखो गाइस देखो देखो मुझे क्या मिला, देखो गाइस आपको सामने से दिखाता हूँ मैं। ए ए ए ए बच्चा हाँ ऐसे हाँ हाँ क्यूटू हेलो जा। अरे यार ये तो और भी प्यारा है, देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे हैं। हाँ इसका बहुत प्यारा कलर है, मम्मी भी आ गई इनकी, सब कुछ देखो चेक करके क्या क्या है। हाँ बेटी हाँ ओ कितना पाला बच्चा है, भाई भाई देखो जाओ मज़ा आ गया बैठ गए जाओ ये इनकी मम्मा है तो मम्मा ए मम्मा बच्चों की मम्मा आ जाओ, ये ना ग्लव्स से डर रहे, ग्लव्स से डर रहे। एक दो इधर आओ